महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव का अंदेशा है। भाजपा की ओर से इसके संकेत मिले हैं। हालांकि महाराष्ट्र भाजपा इकाई के प्रमुख ने इस पर खुलकर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, राजनीतिक घटनाक्रम पर हम बारीकी से ध्यान बनाए हुए हैं, इससे कुछ परिवर्तन होगा ये कहना थोड़ा असमयक होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना नेता संजय राउत के भड़काऊ भाषणों से ही उनकी पार्टी में समस्या खड़ी हुई है, लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे की बगावत है। शिवसेना नेता संजय राउत ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी ANI से कहा, ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो गुजर जो मध्य प्रदेश पैटर्न राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं, ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब MLA वहां है, उसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा, उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है क्योंकि वहां किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहां अपना काम कर लेती है आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी MLA यहां वापस आ जाएंगे क्योंकि वो निष्ठावंत निष्ठावान शिवसैनिक है। क्या इस बारे में आपकी उद्धव जी से शरद पवार जी सबसे चर्चा चल रही है, माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है शुरू है, उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है, मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल विधान परिषद चुनाव में महाविकास अघाड़ी को झटका लगने के बाद राजनीतिक हलचल तेज है, इसके बाद से ही अब उद्धव सरकार पर भी संकट मंडराने लगा है। मैं ये विजय आदरणीय उद्धव जी और आदित्य जी को समर्पित करता हूँ, उन बहादुर विधायकों को जिन्होंने अनेक हामिश दिखाकर कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके का दबाव लाकर लाने की कोशिश की, फिर भी उन्होंने आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में हम दोनों को चुनकर देने का काम किया। मैं इन सब विधायकों को सलाम करते हुए समर्पित करता हूँ। हम बहुत खुश है, महाराष्ट्र की जनता ने आमदारों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व पे विश्वास दिखाया और मोदी साहब के नेतृत्व पे विश्वास दिखाया। गाड़ी फूटे क्रॉस वोटिंग हुई किसके अंदर? नहीं क्रॉस तो हुई है ना, उसके सिवा इतने वोटिंग थोड़ी हमें मिले। तो मतलब शिवसेना और कांग्रेस के बीच में क्रॉस वोटिंग हुई है? 100% सब पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई और पार्टी के अंदर भी क्रॉस वोटिंग हुई। 123 से 134 अभी आगे भारतीय जनता पार्टी सब विजय हासिल करेगी। महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है कि इस राज्य का नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस करे। 2.5 साल हुआ पूरा महाराष्ट्र ठप्प है और वो आगे लेने का काम देवेंद्र जी करेंगे। भाजपा नेता प्रवीण दारेकर का बयान बताता है कि MLC चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। संभव है कि ये क्रॉस वोटिंग नाराज रहे विधायकों ने ही की। इसकी एक वजह यह भी है कि एकनाथ शिंदे ठाकरे परिवार से नाराज चल रहे हैं। शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ रात को ही मुंबई से बाहर चले गए थे। दूसरी तरफ विधान परिषद चुनाव के परिणाम को लेकर नाराज सीएम उद्धव ठाकरे ने आज विधायकों की आपात बैठक बुलाई है। ऐसे में अगर ये विधायक वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो महाविकास अघाड़ी की सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी।